आप देखिए दैनिक सवेरा, हम बात करते हैं अंकुर शर्मा से, एकजुट पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया भारतीय पार्टी पर कि आसाराम बापू जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का हाथ है। दो लफ्ज हम इनसे सुनेंगे, क्या कहते हैं ये। जी सर, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आरोप लगाते हुए कि बापू आसाराम को किन कारणों करके जेल बंद किया गया है? देखिए, जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बापू आसाराम जी जो हैं वो एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बने हैं। जिस तरीके से बापू जी ने और उनके संस्थान ने पूरे तरीके से धर्मांतरण पे एक रोक लगाई थी, और खासकर गुजरात में उनका काम काफ़ी सराहनीय था, और क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो अपने घुटनों पर आ गए थे, वहाँ पर धर्मांतरण का जो प्रोसेस है वो चला नहीं पा रहे थे, उसके पीछे ये षड्यंत्र रचा, जिसमें फिर राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पावर पावर में भी रहे, उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते बापूजी के प्रति घृणा का भाव रखते हुए उसे फैसिलिटेट किया, और बापूजी के जितने भी दुश्मन थे वो मिल गए। लेकिन इससे क्षति जो हुई वो सनातन को हुई, सनातन कमजोर हुआ। सनातन संस्कृति सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए अगर बापूजी और उनका संस्थान कार्यरत था, काम कर रहा था, तो फिर कोई कारण नहीं बनता था किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, सबका एक ही रोल है। जो कांग्रेस ने रोल निभाया वही भाजपा ने भी निभाया और इस षड्यंत्र को अंजाम दिया, और यही कारण है कि पिछले अब 11 वर्षों से, 13 वर्षों से वो जेल में है। अभी तक उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त नहीं हो चुका है, और ओल्ड एज एक ग्राउंड रहती है फॉर बेल्स एक्सेट्रा। लेकिन आप देखिए आज कौन सी पार्टी है जो बेल को अपोज कर रही है, और आज 86 86 वर्ष से अधिक उनकी आयु हो गई है, करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, सनातन का वो काम करते थे। आप ये जानते हैं कि धर्मांतरण के पीछे जो लॉबी है उनका बहुत बड़ा रोल है इस षड्यंत्र को एग्जीक्यूट करने में। तो मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों ने बापूजी और उनके भक्तों को फेल किया, लेकिन एकम सनातन भारत दल पूरे तरीके से उनके भक्तों के साथ और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के पीछे है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे, और आज हमने आश्वासन भी दिया कि इकट्ठे मिलके हम इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, और ये समयबद्ध तरीके में सुनिश्चित करेंगे कि बापूजी को जेल से बाहर निकलवाया जा सके। ये थे अंकुर शर्मा जी, जो बता रहे थे किस तरह बापू आसाराम को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। कोशिश करेंगे जम्मू के लोग, जम्मू के भक्त उनको जेल से किस तरह जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप देखिए दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास भगत के साथ सरबजीत सिंह, जम्मू। आप देखिए दैनिक सवेरा, हम बात करते हैं अंकुर शर्मा से, एकजुट पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया भारतीय पार्टी पर कि आसाराम बापू जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का हाथ है। दो लफ्ज हम इनसे सुनेंगे, क्या कहते हैं ये। जी सर, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आरोप लगाते हुए कि बापू आसाराम को किन कारणों करके जेल बंद किया गया है? देखिए, जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बापू आसाराम जी जो हैं वो एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बने हैं। जिस तरीके से बापू जी ने और उनके संस्थान ने पूरे तरीके से धर्मांतरण पे एक रोक लगाई थी, और खासकर गुजरात में उनका काम काफ़ी सराहनीय था, और क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो अपने घुटनों पर आ गए थे, वहाँ पर धर्मांतरण का जो प्रोसेस है वो चला नहीं पा रहे थे, उसके पीछे ये षड्यंत्र रचा, जिसमें फिर राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पावर में भी रहे, उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते बापूजी के प्रति घृणा का भाव रखते हुए उसे फैसिलिटेट किया, और बापूजी के जितने भी दुश्मन थे वो मिल गए। लेकिन इससे क्षति जो हुई वो सनातन को हुई, सनातन कमजोर हुआ। सनातन संस्कृति सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए अगर बापूजी और उनका संस्थान कार्यरत था, काम कर रहा था, तो फिर कोई कारण नहीं बनता था किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, सबका एक ही रोल है। जो कांग्रेस ने रोल निभाया वही भाजपा ने भी निभाया और इस षड्यंत्र को अंजाम दिया, और यही कारण है कि पिछले अब 11 वर्षों से, 13 वर्षों से वो जेल में है। अभी तक उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त नहीं हो चुका है, और ओल्ड एज एक ग्राउंड रहती है फॉर बेल्स एक्सेट्रा। लेकिन आप देखिए आज कौन सी पार्टी है जो बेल को अपोज कर रही है, और आज 86 86 वर्ष से अधिक उनकी आयु हो गई है, करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, सनातन का वो काम करते थे। आप ये जानते हैं कि धर्मांतरण के पीछे जो लॉबी है उनका बहुत बड़ा रोल है इस षड्यंत्र को एग्जीक्यूट करने में। तो मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों ने बापूजी और उनके भक्तों को फेल किया, लेकिन एकम सनातन भारत दल पूरे तरीके से उनके भक्तों के साथ और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के पीछे है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे, और आज हमने आश्वासन भी दिया कि इकट्ठे मिलके हम इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, और ये समयबद्ध तरीके में सुनिश्चित करेंगे कि बापूजी को जेल से बाहर निकलवाया जा सके। ये थे अंकुर शर्मा जी, जो बता रहे थे किस तरह बापू आसाराम को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। कोशिश करेंगे जम्मू के लोग, जम्मू के भक्त उनको जेल से किस तरह जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप देखिए दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास भगत के साथ सरबजीत सिंह, जम्मू।